ऑनलाइन फेक कंट्रोवर्सीज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट जब ये लीगल एक्शन होता है ना, अच्छे अच्छे लोग सॉरी बोल देते हैं। लोग जोकर बोले तो फिर बोलो अरे डिफेमेशन केस करो इस पे, कर दे भाई। क्या यूके 0700 यूट्यूबर्स को लीगल नोटिस भेज रहा है? जी हाँ, जो लोग भी उनको ट्रोल करते हैं या फिर उनको रोस्ट करते हैं, उन लोगों को लीगल नोटिस भेज के सॉरी बुलवा रहा है। दो दिन पहले एक यूट्यूबर से उन्होंने सॉरी बुलवाया, जिसका नाम है Dragaji900, क्योंकि उसने यूके 0700 को बहुत बार पोक किया था, तो इस चीज की वजह से उसको लीगल नोटिस भेज के उसको सॉरी बुलवा लिया। तो क्या इस तरह से आप किरीजी दीप के साथ भी वो करने वाला है? क्योंकि किरीजी दीप ने अपने स्टोरी में बोला कि शायद से उसके पास भी आप 2-3 दिनों में यूके 0700 की तरफ से लीगल नोटिस आने वाला है। तो उससे पहले किरीजी दीप ने यूके 0700 को एक्सपोज करते हुए क्या कहा, चले मैं आपको वो वीडियो दिखा। स्टोरी तो तेरे तक पहुंची जाएगी भाई। इंदौर में मैं रहता हूं, तेरा जहां मन करे जिस थाने में करे तू FIR लीगल नोटिस, तेको जो करना है कर, ठीक है। और उसके बाद मेरा नाम दीप नहीं, ये जो तू लड़कियों के साथ घुमा था, ये तेने बैंड एप प्रमोट करे, जितने बच्चों को तेने लूटा, इस भारत में पता नहीं कहां कहां से FIR होगी, ठीक है। फिर तू सॉरी ना बोले अगर इंस्टाग्राम स्टोरी पे, या फिर एक भी ऐसा बैंड प्रमोट करके दिखा दे तो फिर मैं मान जाऊं तेरे को, ठीक है। तो अब तेको जो करना है, 1 wicket down 2 wicket down कर ले भाई। पहले खुद झूठ बोलो, है ना, खुद की इमेज जोकर वाली बना दो, ऑडियंस के साथ झूठ बोल के जब पकड़ा जाओ, लोग जोकर बोले तो फिर बोलो अरे डिफेमेशन केस करो इस पे, अरे कर दे भाई जा। गाइस आपका क्या राय है इस पर, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो यूके 0700 के बारे में। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए।